गुड इवनिंग बेटा। आज थोड़ा डिले हो गया मुझे। हाँ चलिए बेटा, एक क्वेश्चन के लिए आप लोग फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस। Find the area bounded by x equal to 2y minus y square and y axis. Aya? टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस। Thank you.
टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो इसको ऐसे करो, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको ये पैराबोला है कि नहीं है, पैराबोला है, ओपनिंग राइट साइड होगा या ओपनिंग लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, माइनस कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई हो गया, माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, और वाई माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन हो गया, तो ये एक्स माइनस वन हो गया और माइनस ऑफ वाई माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आपको ये एक पैराबोला मिल रहा है जिसका जो है वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन हो जाएगा, वन कॉमा वन है, क्या हो गया ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, और जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू भी जीरो दिखा रहा है, तो एक पैराबोला होगा जो, अच्छा y स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये कोऑर्डिनेट में पड़े होंगे, यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस होता तो ओपनिंग राइट साइड में होता, माइनस है तो ओपनिंग लेफ्ट साइड में हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। वन कॉमा वन, जीरो कॉमा जीरो है, जीरो पे हमारा एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो कॉमा जीरो है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब एक्स को जीरो रखोगे, देखोगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, जब एक्स जीरो होगा 2y माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जी तो अगर y कॉमन ले लेंगे 2 माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y जीरो आया और y हमारा आ गया 2, y जीरो आ गया और y हमारा आ गया 2, तो जीरो कॉमा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, जीरो हो गया जीरो कॉमा टू। यहां तक कोई, चलो ठीक है, तो अब क्या है, आप वाई डायरेक्शन में जा सकते हो, अब आप कहां से कहां इंटीग्रेट कर सकते हो, जीरो टू टू एक्स राइट, ये एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट, इसका इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस में एक्स इक्वल टू जीरो और डी वाई, जीरो टू टू डी वाई, तो इक्वल टू टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई क्यू बाई थ्री। ठीक है, तो टू इंटू फोर बाई टू माइनस एट बाई थ्री, फोर टीजर ट्वेल्व माइनस एट मतलब फोर बाई थ्री आ गया, तो एरिया क्या हो गया हमारा इसका, फोर अपॉन थ्री, इसका एरिया हो गया फोर बाई थ्री स्क्वायर। तो सही था, बढ़िया जी, गुड। नेक्स्ट चलें,
the area of the figure bounded by the parabola x equal to minus 2y square or x equal to 1 minus 3y square. Find the area of the figure bounded by the parabola x equal to minus 2y square or x equal to 1 minus 3y square. जल्दी करिए, एकदम करेक्ट आना चाहिए सबका. Find the area of the figure bounded by the parabola. आज कंप्लीट हो जाएगा ना. हाँ तो आप टाइम बता दीजिए सबसे ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी से बात करो. Find the area of the figure bounded by the parabola this one. हो गया.
एक्स क्या है माइनस टू वाई स्क्वायर, ये तो सिंपल है, ऐसे चला जाएगा पैराबोला माइनस टू वाई। पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लोगे क्या हो, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाई द पैराबोला दिस। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा और वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला हमारा दूसरा वाला पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा। तो ठीक है, चलो फाइंड द, तो ये वाला पॉइंट है हमारा 1 और ये वाला पॉइंट है हमारा माइनस 1। ठीक है, ये हमारा 0,0। अच्छा, ये पैराबोला कहाँ कट करेगा, तो इसको देख सकते हैं एक्सेस को कहाँ कट करेगा, जहां पर x 0 होगा वहां पे ये कट करेगा। तो x जहाँ पे 0 है, x 0 है, ये वाला x जहाँ 0 होगा, तो 1 माइनस 3y स्क्वायर को जब 0 करोगे तो 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला पॉइंट है, तो हमको ये वाला पॉइंट नहीं निकालना है, हमको तो ये वाला पॉइंट निकालना है, सॉरी यहाँ पे तो y जीरो करोगे ना, तो x इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर, तो जब y जीरो होगा y इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या जाएगा 1, मतलब ये पॉइंट क्या जाएगा 1,0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा 1,0 हो जाएगा, ये 0,0। तो हमको क्या एरिया निकालना बेटा, ये एरिया निकालना है, तो आई थिंक समझी गए होगे एरिया क्या हो जाएगा। ये क्या इक्वेशन है, x इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर, और ये क्या है x इक्वल टू 2 माइनस 2y स्क्वायर। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, अगर मान लो y एक्सिस में जाते हैं तो माइनस 1 से 1 x राइट माइनस x लेफ्ट माइनस 1 से 1 एक्स राइट, मतलब 1 माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस 2y स्क्वायर और dy इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 से 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस y क्यूब बाई 3 माइनस 1 से 1, जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, माइनस हो गया, जब माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3 माइनस माइनस 2 बाई 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 4 बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया, क्लियर करें।
क्लियर करें बेटा। चलो क्वेश्चन ये वाला करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x और दूसरा कर्व है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। चलो कोशिश करो इसको। Find the area of the region y square less than equal to 4x, 4x square plus 4y square less than equal to 9. नहीं आ रहा है? देखो पहले समझो, जैसे हमने कहा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, तो ये वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है ना, ये 0,0, ठीक है। तो आपको ये इसका पैराबोला ये होगा। अब लेस देन इक्वल टू है 4x, मतलब ये तरीके से y स्क्वायर माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब कौन सा रीजन लेना है ये देख लो। तो देखो दो रीजन है, पैराबोला के एक इनसाइड का रीजन है और पैराबोला के एक आउटसाइड का रीजन तुमको दिख रहा है, दो रीजन है।
इस इनइक्वालिटी में अगर सिर्फ इक्वल टू जीरो होता तो सिर्फ पैराबोला का सरफेस होता, लेस देन या ग्रेटर देन में कौन सा रीजन लेना है ये देखना पड़ेगा, मतलब इसके बीच का रीजन लेना है किसके बाहर का रीजन लेना है। तो चलिए देखते हैं, कोई भी पॉइंट बेटा ले लो, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, हो जाएगा चार्जिंग में लगाना, हाँ चार्ज। तो कोई भी पॉइंट, मान लो यहां पे पॉइंट है 1.0, क्या 1.0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देखो अगर 1.0, 1 और 0 को रखो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा 1.0 के ऊपर कोई भी इसके अंदर का, तो 1.0 पुट किया 1 तो -4 आएगा, -4 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इस जिस पॉइंट सेटिस्फाई किया तो वो वाला रीजन इसको लेना है, मतलब हमारा ये वाला रीजन सेटिस्फाई करेगा। दूसरा वाला है क्या है, दूसरा देखो लिखा है x² + y² लेस देन इक्वल टू 9/4, मतलब ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस है 3/2। ये तो समझ में आ रहा है, अब लेस देन इक्वल टू तो अंदर वाला रीजन लेना है बाहर, तो 0, 0 ही रख के देख लो, 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अंदर वाला रीजन लेना है, मतलब इसके साथ में हमको एक सर्कल भी बना देना है। कुछ ऐसा बना देना, अब ये सर्कल का क्या है, ये कहां पे पॉइंट पे कट कर रहा है 3/2, 0, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 3/2, 0 होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के अंदर वाला पैराबोला के भी अंदर वाला एरिया जो ये रेड कलर से हमने कर दिया है ये वाला एरिया होगा। अब हमको इस एरिया को निकालना है, तो तुम ध्यान से देखो एक्स एक्सिस के अबाउ सिमेट्री है, वैसे भी देखो एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो एक्स एक्सिस के अबाउ सिमेट्री है, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दोगे तो वाई एक्सिस के अबाउ सिमेट्री है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउ सिमेट्री है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे सॉरी वाई एक्सिस के अबाउ सिमेट्री हो जाएगी, और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो एक्सिस के अबाउ सिमेट्री, ये पूरा एक्स एक्सिस के अबाउ और वाई एक्सिस के अबाउ सिमेट्री है, ये वाला देखो y को माइनस वाई से रिप्लेस करो तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो जितना एरिया ऊपर रहेगा उतना एरिया नीचे रहेगा, ठीक है, अगर हम ऊपर वाला भी एरिया निकाल लें नीचे वाला तो हमारा हो जाएगा पॉइंट काम, तो ये ऐसे कर लें। एक और तरीका है, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरा निकालिए क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब किसको y² = 4x को और x² + y² = 9/4, इन दोनों को सॉल्व करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं y स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 4x, x² + 4x = 9/4 हो गया, यहां से आ गया 4x² + 16x - 9 = 0 आ गया, ये आ जाएगा 2x - 1 और 2x + 9, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, x = 1/2 और x = -9/2, ये पॉइंट, और x को जब पुट करोगे तो y आ जाएगा, तो यहां से x को जब 1/2 पुट किया, 1/2 पुट किया तो ये 2 आ गया, y हमारा +-√2 आ गया, ये समझना, x को 1/2 पुट करो y हमारा +-√2 आ जाएगा, ठीक है, और x 1/2 हमने पुट किया, माइनस वाला नहीं पुट किया क्योंकि x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नेवर पॉसिबल, तो क्यों नहीं हो सकता, अगर x नेगेटिव हो गया तो y² < -√2, कभी y नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है, कौन सी 1/2 लेनी है, 1/2 नेगेटिव पुट करके देखो क्या y किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो सिर्फ 1/2 रखेंगे y प्लस y, तो मतलब ये पॉइंट आ गया y हमारा, ये वाला पॉइंट आ गया √2,
तो ये वाला क्वारिनेट क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू रूट टू, ये वाला आ गया एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू माइनस। अब दो तरीके से हैं, या तो एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट करके इंटीग्रेट कर दो, सबसे आसान है, इसको रफ करते हैं, ये पैराबोला क्या है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई फोर है, सर्किल क्या है, सर्किल अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 9 - 4y² / 4/2 हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा ना यहां से एक्स क्या है, ये वाला ये प्लस माइनस में आएगा तो ऊपर ये वाला लगेगा, ये वाला है ना, बोलो। और एक तरीका और भी है कि अगर हम x में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पहले यहां से यहां चलें, जैसे हमने यहां से यहां करा ये वाला, तो हमारा दोनों ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया बराबर होगा, तो अगर हम ऊपर वाला एरिया निकाल लें, इस पार्ट का एरिया ऊपर वाला निकाल लें, उसी का डबल कर देंगे, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 2 × कर दो, ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा y = 0, 2 × यहां से यहां, पहले 0 से कहां तक, ये वाला पॉइंट 1/2 है ना, ब्लैक से लिखने से दिखेगा, तो पहले 0 से 1/2 इंटीग्रेट करो, y अपर, ये y है, y क्या है रूट, y क्या है रूट 4x माइनस y लोअर क्या है 0 dx प्लस, अब कहां से y 1/2 से कहां तक इंटीग्रेट करो 3/2, y अपर ये वाला है अंडर रूट 9 - 4x² / 2 और dx हो जाएगा, माइनस वाई लोअर 0 dx हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 0 to 1/2 √x dx प्लस 1/2 से 3/2, 1/2 बाहर आ गया अंडर रूट 9 - 4x² अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और आंसर बताना है, इंटीग्रेट करिए और आंसर बताइए, समझ में आया कितना आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं, इसलिए इसका सबका इंटीग्रेशन आपको करना है, कर लोगे फाइनल आंसर हमारा जो भी आएगा कर लेगा, इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ये a² - x² वाला फॉर्म है, 4 कॉमन ले लो, इसको चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 4 कॉमन ले लिया तो 1/2 इसमें और बाहर आ गया, सॉरी 2 बाहर आ गया
फोर कॉमन ले टू, और ये हो जाएगा 9/4 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है। चलिए गुड, अब इसी टाइप का एक और देते हैं, इनइक्वालिटी वाला एक और देते हैं, ठीक है। अरुंधति समझ में आया, अरुंधति पीयूष निहारिका समझ में आया, गुड बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई प्लस 2। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट चलो करो, 5 मिनट का टाइम है, अच्छे से करो। आया बेटा, सोचो ये इसका अगर आप बना ही लोगे, आई थिंक ये सर्कल है, ये भी बना दोगे, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे कर लो,
तो ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा। अब ये क्या होगा, देखो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस हमारा वन है और सेंटर है हमारा वन कॉमा जीरो। तो ये नहीं, वन कॉमा जीरो मतलब ऐसा सर्कल ऐसे जाएगा, सेंटर हमारा वन कॉमा जीरो और बेटा रेडियस भी हमारा वन है, तो ये दूरी हमारा वन है, ठीक है। और ये हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो। ये सर्किल हो गया, ये पता चल गया, इसको अगर बनाना है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ये है, ठीक है, और ये है थर्ड वाला x, ये वाला तो करीब हो गया, ये वाला सर, और ये वाला क्या इक्वेशन है बेटा, एक तरीके से जाओगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर ये इक्वेलिटी होता तो कौन सा डायग्राम लगता, अगर x जीरो होता तो y माइनस टू होता, y जीरो है तो x, मतलब ये ऐसा डायग्राम। अब तीनों का डायग्राम तुम्हारे सामने हमने बना दिया, तीनों को मर्ज करो और देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, टू कॉमा जीरो, ये क्या होगा जीरो कॉमा माइनस टू, ठीक है। तीनों डायग्राम ये वाई एक्सिस है, तीनों को मर्ज करो और देखो कौन सा एरिया आ रहा है, पहले वाले में कौन सा आएगा, जैसे हमने 1.0 देखना है बाहर का एरिया है कि अंदर का, बताओ बस यही सब लोग बताओ, पहला जो सर्किल है इसके बाहर का एरिया लेना है कि अंदर का एरिया लेना है, बाहर का लेना है, आउटसाइड का एरिया लेना है कि इनसाइड का लेना है, कैसे देखो, अंदर का कोई पॉइंट सेटिस्फाई करो, 1.0 रखो जरा, x को 1 रखा तो ये 0 हो गया, y को 0 रखा 0, तो क्या 0 हो गया, ये 0 कभी 1 से बड़ा होता है, जीरो कभी वन से बोला नहीं होता, तो कौन सा एरिया लोगे, इसके आउटसाइड का एरिया बेटा लेना है, ठीक है। सेकंड वाले को देखो कौन सा एरिया लेना है, ये वाला ऐसे हो जाएगा ना वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो मान लो यहाँ पॉइंट आ गया 1.0, तो एक्स को 1 रखो वाई को 0 रखो तो माइनस फोर 0 से छोटा होता है, हाँ तो इसके अंदर वाला एरिया आ गया। थर्ड वाला x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, तो अब इसके एरिया को देखो, ये हमारा है ना ये लाइन ठीक वाली, अब देखो जीरो जीरो इसके अप साइड का लेना है कि बिलो द साइड लेना है, तो ओरिजिन को ही सेटिस्फाई करा के देखो, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करा रहा है तो इस साइड का एरिया होगा, नहीं कर रहा है तो इस साइड का एरिया होगा, तो देखो ओरिजिन को जीरो जीरो रखोगे तो जीरो टू से छोटा होता है, हाँ तो ये वाला एरिया आपको लेना, ठीक है।
तो अब तीनों को देखो एक संग, अगर तीनों को बनाते हैं तुमको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर तीनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं हम, ये कुछ पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, जो यहाँ 2,0 ये अलग पॉइंट है, तीसरी वाली लाइन भी 2,0 से जाएगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी। अच्छा अच्छा ये भी पता करना है, ये पॉइंट इस सर्कल को कट करेगी कि नहीं कटेगी ये वाली लाइन, तो इसको इसको और सर्कल के संग में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का इसके साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो अगर हम करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये मान लो इंटरसेक्ट करे या ना करे कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। अब सर्कल के बाहर वाला एरिया मतलब ये पैराबोला के अंदर और इसके राइट साइड, तो तुम देखो कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये वाला एरिया आ रहा है, रिक्वायर्ड एरिया ये वाला आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो बेटा सारे लोगों को, गुड। अब इंट्रीगेट कहां से कहां करोगे, मेन तो यही बात है, बाकी बाकी तो इंट्रीगेशन तुम लोग कर लोगे, बाकी तो इंट्रीगेशन तुम लोग कर लोगे, लेकिन कहां से कहां इंट्रीगेट करोगे ये देखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला ऐसे कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहां से 0 से 2 तक वाई अपर ये है और वाई लोअर ये है, और 2 के आगे बढ़ेंगे तो वाई अपर ये है और वाई लोअर वाला ये है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये पैराबोला वाला है, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू रूट 4x, मतलब 2√x। ये लाइन क्या हो जाएगी, देखो y इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इक्वल टू एक्स माइनस टू की लाइन। सर्कल क्या हो जाएगा, ये वाला, तो इसको यहां से देखो y स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। तो हम लोग इंट्रीगेट कहां से कहां करेंगे, अच्छा बेटा एक और काम इसमें किया जा सकता है, देखो एक चलाकी दिखाई जा सकती है, अभी हमको दिख रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हमको ये पूरा एरिया मिल जाए, ये पूरा एरिया, उसमें से ये हाफ सर्किल का एरिया घटा दें तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा कि नहीं बताओ, और ये एरिया घटा दें, बोलो, अगर इस पूरे एरिया पैरा, ये पूरा एरिया, ये इस पूरे एरिया में से इस हाफ सर्किल का एरिया घटा दें और ये एरिया घटा दें तो आ जाएगा, बोलो, तो ऐसे ज्यादा आसान, तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, इंट्रीगेशन, ये पूरा एरिया कैसे मिलेगा, यहां से यहां तक का एरिया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लो, किसका, लाइन का और पैराबोला, लाइन और पैराबोला, अब ये सारी चीजें इरेज कर रहे हैं, अब लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमको निकालना है तो लाइन और पैराबोला को सॉल्व करो, लाइन हमारा क्या है, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इन दोनों को सॉल्व करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो जरा क्या आ रहा है, देखो यहां से सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है,
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 1416, फोर ए सी मतलब 1416 और फोर फोर ए इंटू सी तो 16 हो जाएगा ना अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 4 16 या 48 रूट 48 हो गया, सो तो मतलब 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, 4 प्लस माइनस टू ये आ जाएगा 2 root 3 4 root 3 मतलब 2 root 3 आ गया, ये आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 plus 2 root 3 और ये वाला भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट दो जगह कट कर रहा है ना, एक पॉइंट ले लेते, तो हमको ये वाला पॉइंट लेना है 4 से बड़ा वाला, 4 plus 2 root 3 लेना। तो अब सोचो इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, 0 से 4 root 3 इसको किसको, 2 y upper minus y lower तो 2 root किसको कर दे, 2 root x माइनस वाई लोअर वाई इक्वल टू जीरो जीरो और dx। अब ये कितना एरिया ले लेगा, ये पूरा ही एरिया ले लेगा, पूरा एरिया, अगर इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को घटाओ 1/2 इंटू बेस, जब यहां से ये घटेगा तो 2 plus 2 root 3 4 plus 2 root 3 है, यहाँ 2 है, घटा दोगे तो ये लेंथ कितनी आएगी, 2 plus 2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ये लाइन है, लाइन पे जरा एक्स की वैल्यू रख दो, लाइन कौन सी, ये वाली है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 plus 2 root 3 तो यहां से जब 4 plus 2 root 3 रखोगे, अच्छा इसको पहले इरेज कर रहे हैं तभी कुछ साफ साफ क्लियर होगा, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, हमारा x आ गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस टू, y इक्वल टू x माइनस टू है, x की वैल्यू कितनी है 4 plus 2 root 3 माइनस टू, तो y इक्वल टू 2 plus 2 root 3 तो y हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया 4 plus 2 root 3 y आ गया यहां पर, ये y अगर 2 तो 2 plus 2 root 3 तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर एरिया घटा दे, और हाफ सर्किल का एरिया घटा दो माइनस पाई, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया होता है और पाई बाई टू इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1, ये बोलो तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा पूरा, बताओ ये सही है कि गलत, सही समझ में आया कि नहीं, फिर से बताएं, इसको इरेज कर देना तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, देखिए आ गया कि फिर से बताएं, बताओ अरुंधति, एक एक लोग बताओ, प्रभात अरुंधति पीयूष निहारिका अनय सारे लोग बताओ, रिपीट करते हैं बोल, चलो ये पता चला प्रभात, बस ये बताना, ये पता चला कि हमको ये एरिया निकालना है, ये पता चला हाँ या नहीं जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आया ये पता चला, लाइन को और पैराबोला को सॉल्व कर दिए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 4 plus 2 root 3 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2 plus 2 root 3, ये पता चला प्रभात, ये कोऑर्डिनेट कैसे आ गया, मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चला कैसे आ गया, हाँ चलो अब हमने क्या किया, ये पूरा एरिया निकाला, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया क्या होगा, वाई अपर 2 root x माइनस वाई लोअर 0 और कहां से कहां 0 से लेके 4 plus 2 root 3 तक इंटीग्रेट किया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया सेपरेट किया, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब ये लेंथ यहां से यहां तक, 4 plus 2 root 3 में से अगर 2 घटा दोगे तो 2 plus 2 root 3 इंटू परपेंडिकुलर, ये जिसकी वैल्यू 2 plus 2 root 3 आई थी, ये कितना है परपेंडिकुलर, तो ये एरिया घट गया और इस हाफ सर्किल का एरिया घटा गया, सेमी सर्किल का एरिया, तो
सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल का पाई बाई टू आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, ये 2 0 है ना, ये कॉमा 1 0, रेडियस 1 है, हटा दिया। ये इसका जो एरिया निकल के आएगा यही तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। बोलो क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर, एरिया निकाल लो एक बार। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर करें। इफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, बिटवीन द एब्सिसा एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू अल्फा, एज अल्फा क्यू माइनस फोर अल्फा स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर यूनिट, it is known that curve y is equal to fx lies below the parabola y is equal to x square plus 2. एरिया बताना है y is equal to fx और y is equal to x square plus 2 एब्सिसा x equal to 2 x equal to अल्फा के बीच में इतना स्क्वायर यूनिट है, तो आपको बताना है fx बताना है। Find fx. तो आपको fx बताना है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे हो जाएगा।
जल्दी करिए। हो गया, कितना आंसर आया? अच्छा बेटा, कल शायद आप लोग के बैच बंद रहेंगे, कल कुछ कोचिंग के कोचिंग ऑफ रहेगी, कल सबके सारे बैचेस बंद रहते, कोचिंग की कुछ छुट्टी है कुछ, ठीक है, सॉफ्टवेयर का अपडेशन होगा कल कुछ, तो उसकी जगह आपका एक दिन शायद संडे क्लास चल जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। माइनस टू एक्स स्क्वायर, सही है, देखो कुछ है नहीं, कह रहा है कि एरिया इज क्लोज्ड बाय कर्व, किस कर्व में, y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस टू, कहां से x इक्वल टू टू और x इक्वल टू अल्फा के बीच में ये है, और कह रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स नीचे है पैराबोला, तो भाई एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, y अपर मतलब एफ एक्स, सॉरी y fx नीचे है ना, y अपर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर टू प्लस टू माइनस y लोअर fx, यही तो है एरिया, और कहां से कहां, टू से अल्फा, और ये कितना दिया हुआ है, बस सिंपल है, ये दिया हुआ है। अब एंट्री यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आएगी तुम लोगों को, वाई ये कह रहा है ना, वाई टू एफ एक्स इसके बिलो है, वाई अपर माइनस वाई अपर माइनस वाई बिलो टू से अल्फा तक ले जाएंगे, एरिया ये दिया हुआ है साफ साफ। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर लो बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो भाई, ये लिबनी शुरू लगा सकते हो, तो पहले अल्फा पुट करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस टू माइनस एफ ऑफ अल्फा इंटू अल्फा का अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन माइनस लोअर वाला पुट करोगे टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस एफ ऑफ टू और टू का डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट है ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू इधर अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस एट अल्फा, ये तो जीरो ही हो गया ना पूरा पूरा, तो जीरो ही हो गया इक्वल टू थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस एट अल्फा, एफ ऑफ अल्फा क्या आ गया, इधर गया, ये इधर ले आओ माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस एट अल्फा प्लस टू, यहां से एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस,
ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया सारे लोगों को? डन? चलो देखते हैं कि आप डेली मेंस के क्वेश्चंस तुम लोग से सॉल्व करवाते हैं। तो देखो तो एक 2004 में कितना, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। एक 2004 में आया वो क्वेश्चन है, 2005 में the area enclosed between the curve y is equal to ax square and x equal to ay square, where a greater than 0 is 1 square unit. Then find the value of a. जल्दी करो, area enclosed between the curve y is equal to ax square and x equal to ay square is 1 square unit, then find the value of it. चलिए जल्दी करिए,
The area enclosed between the curve y is equal to ax square and x equal to ay square is 1 square unit, then find the value of it. जल्दी बताइए, 1/√3 आया और इसका 1/√3 देखें, पूछो, मैं आंसर मैच करा रहा हूं, पूछो। सिंगल आंसर भाई, 1/√3 आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, निहारिका का भी, प्रभात का भी, अरुंधति, 1/√3 आ रहा है बेटा, करके बताएं क्या? कुछ तो नहीं है, ये जीरो है, जीरो से बड़ा है, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ये एरिया बस दिया हुआ है, बड़ा ही आसान है ये तो, और ऊपर वाला ही लेना है। और बेटा देखो ए क्या दिया हुआ है, ए पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो सिर्फ 1/√3 लोगे, ठीक है अरुंधति, अरुंधति ए पॉजिटिव है ना, तो सिर्फ 1/√3 लोगे आप। ये मेंस का क्वेश्चन है, कितना आसान सा, देखो एक मेंस का हम लोग और करते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन माइनस मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है करिए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन। हो गया, ये भी आसान सा है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ये तो बहुत ही आसान है, मॉड एक्स दिस माइनस वन दिस, ये तो सब बताया हुआ है ना, मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ ऐसे, माइनस
अब बताओ उसको ग्राफ कैसे होता है, माइनस मॉड एक्स का ये होता है, माइनस मॉड एक्स में प्लस वन ऐड कर दिया तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, चला जाएगा, ये वाला हट जाएगा। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है बेटा। तो ये दोनों सिमेट्रिसिटी दिख रही है, सिर्फ एक चारों पार्ट एक पार्ट का एरिया निकाल दो। ये वाला पॉइंट क्या होगा तुमको पता ही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला, अब ये बताना ना पड़े, ये 0.1 पॉइंट है और ये 1.0 है, बताना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया चार पार्ट है, चार एक पार्ट का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस 1 इंटू परपेंडिकुलर 1, तो चार पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। समझ में आया कि कहीं डाउट है तो बताएं, कहीं डाउट हो तो बोलो बताएं। क्लियर? किसी को पूछना है? प्रभात, प्रभात, निहारिका, चलो अभी देखो, अभी तुम लोग जा करके कम से कम जेई मेंस के क्वेश्चन लगा डाल। अब पहले तो अपने बोर्ड्स वाले भी सारे क्वेश्चन तब तो तुमसे किसी भी तरीके हर हालत पे लग जाएंगे, और जेई मेंस वाले लास्ट ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उसको आप जरूर लगा लेना, ठीक है, जरूर लगा लीजिएगा उसको। तो जेई मेंस वाले भी क्वेश्चन आप लोग तो सारे के सारे लगा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जो आपका एडवांस का कुछ पार्ट रहेगा, कर्व स्केचिंग स्केचिंग जो का एडवांस का पार्ट है, उस पार्ट को हम सारी चीजें, एक कर्व स्केचिंग वाला पार्ट है वो बाद में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। वो एडवांस की जब तैयारी हम लोग करेंगे ही मेंस खत्म होने के बाद, तो उसके लिए भी हम लोग कवर अप कर लेंगे धीरे धीरे बीच में कुछ चैप्टर्स में जो चीजें हैं। तो इसके क्वेश्चन जरूर लगा लेना, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें लगा लेंगे आपको, ठीक है। तो जेई मेंस में बेटा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, अगर प्लॉट सिंपल प्लॉट कर लोगे, ग्राफ को बस समझ लो, कुछ प्लॉट कर लोगे तो आराम से सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जेई मेंस के क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं रहते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का एक ही तरीका है कि आप जेई मेंस के जो लास्ट ईयर की क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रैक्टिस कर दीजिए, और बुक से भी क्वेश्चन मॉड्यूल से लगाइए, ठीक है। तो चलो बेटा, नहीं जो आती है जितनी आती है उतनी सारी हमें बता दी, तुमको और भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक दो तीन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर बाय, रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। मे भी कल कोचिंग बंद रहेगी, अगर बंद रहेगी क्लास बंद रहेगा तो आप लोग को कॉल चली जाएगी, ठीक है, ओके।